वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप जी जो गुरद्वारा साहब के दर्शन कर रहे हो, ये गुरद्वारा धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के पिता जी बाबा मेहता कालू जी का जन्म स्थान है, जो कि जिला तरन तारण के नेड़े पिंड पठे पिंड के नाल लगता है। इस गुरद्वारा साहब का नाम गुरद्वारा डेरा साहिब लोहार है। धन धन बाबा मेहता कालू जी का जन्म पिता शिव राम माता सबराई जी के घर सन 1440 ईस्वी में इसे ही स्थान पर होया है। मेहता कालू जी का बचपन भी इत्थे ही गुजरिया है अते विद्या भी इत्थों ही हासिल कीती है अते इत्थे ही पढ़ के पटवारी की नौकरी भी लगे। पटवारी की नौकरी करदियां उन्हां दा राय बुलार जी नाल अथाह प्रेम बन गया अते राय बुलार जी के कहण ते मेहता कल्याण दास जी राय भोए की तलवंडी चले गए। राय भोए की तलवंडी विखे ही माता तृप्ता जी की कुख तो धन धन साहब श्री गुरु नानक साहब जी का प्रकाश होया, जिसनों अजक ननकाणा साहब के नाम न जानते हाँ। इतों का इतिहास जो गुरु घर के बाहर लिखा है उसनों पढ़न ते पता लगता है कि गुरु नानक साहब जी सुल्तानपुर लोधी जाते समय इतों इस अस्थान तो होके गए हैं। मीरी पीरी दे मालक धन धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भी इस अस्थान ते चरण पाए हैं। जदों गुरु जी चोला साहब तो गुरद्वारा रोड़ी साहब आए तो रोड़ी साहब तो 300 कदम चल के इस अस्थान उपर आए। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे दे महावाक अनुसार सतगुरु जी ने इत्थे चरण पाए अते ए अस्थान पूजन योग हो गया। इत्थे संगतां दूर दराडे देशां विदेशां तो आके नतमस्तक हुंदियां हन। इस अस्थान उपर माघी दा मेला भी लगता है अते गुरद्वारा साहब दे बाहरले पासे एक बहुत वड्डा सरोवर बनिया होया है, जिथे संगतां इशनान करके गुरु घर नतमस्तक हुंदियां ते गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करदियां हन। इत्थे एक पुरातन खूह भी है जो कि इतिहासिक खूह है।